In last Yes, video lecture, sir. I explained Good equilibrium morning, constant sir. for Nernst. Good morning, Nernst equation. So today I explain equilibrium constant for Nernst equation. जरा इसको देखिए. Today I explain equilibrium कांस्टेंट, जिसको हम केसी बोलते हैं, फॉर नर्स्ट इक्वेशन. इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखो. टुडे आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ट इक्वेशन. सर हाँ बोलो बेटा. हाँ कुछ डाउट थे क्लियर कर देंगे. हाँ एकदम. लेकिन इसको सुनने के बाद थोड़ा सा हमको, आपको 10 मिनट टाइम देंगे डाउट क्लियर करने के लिए. ठीक है. आज सर आज बेसिकली दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ट इक्वेशन विद डायग्राम एंड इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी. आज का लेक्चर यही होगा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ट इक्वेशन, तो इफ यू राइट द इक्वेशन ऑफ डेनियल सेल, जेड एन सॉलिड प्लस सी यू प्लस टू एक्वेटिक इज इक्वल टू जेड एन प्लस टू एक्वेटिक प्लस कॉपर सॉलिड. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डेनियल सेल. इन डेनियल सेल टू इलेक्ट्रोड्स आर यूज, जिंक एंड कॉपर. जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, वेयर एज कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड. बेटा माइक माइक बंद करिए अपना. आप लोग कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड. इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है? व्हाट इज केसी? आपने पढ़ा होगा 11th में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में. केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू इन टू कंसंट्रेशन ऑफ सी यू सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन सॉलिड इन टू कंसंट्रेशन ऑफ सी यू प्लस टू. ये होता है. अब आपको ये भी पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सी यू सॉलिड वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन सॉलिड टेकन एज यूनिट. सॉलिड का कंसेप्ट हम क्या लेते हैं? यूनिट लेते हैं. तो यहाँ इसका कंसेंट्रेशन हम यूनिट ले लेंगे. तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? जेड एन प्लस टू अपान सी यू प्लस टू. ये कंसेंट्रेशन होता है. तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके लिख रहे हैं, केसी के फॉर्म में. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ट इक्वेशन? तो इन डेनियल सेल, हम डेनियल सेल की बात करते हैं. केसी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन अपान कंसेंट्रेशन ऑफ सी यू होता है. That is clear. तो इन डेनियल सेल की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा. यहां देखिए, हम बता रहे हैं आपको केसी की वैल्यू इतनी आती है. तो इन डेनियल सेल सर सबको म्यूट कर दीजिए. हाँ बेटा आवाज आ रही है. आप थोड़ा सा आप ये करें अपनी माइक को म्यूट कर दीजिए सबको. म्यूट ऑल. खुद को मत कीजिए. अच्छा अभी क्या होगा? ऑल पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ. आवाज आ रही है बेटा? हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक. तो यहां पर आप देखें, इन डेनियल सेल कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीजेस. आपने देखा होगा डेनियल सेल में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, जो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन है क्या होता है? डिक्रीज करता है. एंड कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन जेड एन प्लस टू क्या करता है? इंक्रीज करता है. डेनियल सेल में यही विशेषता है कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीजेस वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इज इंक्रीजेस. अल्टीमेटली स्टेज एट विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू आयन्स बिकम इक्वल इन डेनियल सेल and stage at which equilibrium electrode potential of these two electrodes are equal, this situation electric current stop flowing. उस समय क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, फ्लोइंग हो जाएगा. मैंने करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. और उस समय इस सेल का जो है ईएमएफ ऑफ सेल एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ या ई सेल क्या हो जाएगा? इसका जीरो हो जाएगा.
तो इसका मैंने उस दिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, यहां रिडक्शन पोटेंशियल, हम रिडक्शन प्रोग्रेसेस, तो क्या होगा या इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को, दिस सिचुएशन, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इन दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। यहां जिंक का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, यहां कॉपर का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इस सिचुएशन पे दोनों का पोटेंशियल बिकम इक्वल हो जाएगा, और उस समय उसका ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, जीरो, ठीक है। अब इस सिचुएशन के बाद हम थोड़ा सी बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, इरेज कर रहे हैं हम इसको, इस सिचुएशन पर होगा जीरो, तो ए इन डेनियल सेल, इन डेनियल सेल नर्स्ट इक्वेशन रिटेन एज कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू जीरो तो है ही, इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 आरटी अपान एनएफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जेडन प्लस टू अपान कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस टू, लिख सकते हैं प्लस, बोलिए, यस सर। तो अब ये तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आरटी अपान एनएफ लॉग, इसको हम लिख सकते हैं केसी, क्या लिख सकते हैं इसको, केसी इसको लिख सकते हैं आप, देखिए केसी, इसको आप केसी लिख सकते हैं, जेड एन प्लस टू और सी यू प्लस टू आयन्स को हम क्या लिख सकते हैं, केसी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वैल्यू हो जाती है केसी की, वैल्यू हो जाती है। अब यहां से जरा इस बात को समझिएगा, यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग केसी, ठीक है। अगर आप अप्लाई करते हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर, इस केल्विन टेम्परेचर पे, और वन मोलर कंसंट्रेशन अप्लाई करते हैं, और एफ की वैल्यू 96,500 या ये भी होता है 96,487 कूलाम, दोनों की वैल्यू है, दोनों एप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। और आर की वैल्यू जो है 8.31 किलो जो मोल इनवर्स आप लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू टू क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन टू लॉग केसी आएगा, क्या आएगा लॉग, भाई कम परेशान कर, लॉग केसी आएगा, केसी तो आवाज आ रही है आपकी, हेलो, विशाल है सर, पता नहीं कौन, विशाल गुप्ता, अपने माइक को म्यूट करिए। हाँ बेटा, ये क्लियर है, ब्लैक बोर्ड, यस सर, ब्लैक बोर्ड इज क्लियर, यस सर, वेरी क्लियर, टू द क्लियर है सर, ये जरा ध्यान, राइट है सर, हेलो, जी सर, अभी कोई दिक्कत है इस ब्लैक बोर्ड से, हाँ अंगद, नो सर, बिल्कुल सर, वैसे कुछ दिख नहीं रहा है सर, क्लियर है सर, नीचे नहीं दिख रहा है सर, अच्छा नीचे लिखा है, रुक जाइए सर, थोड़ा बीच, थोड़ा सा हम बुला के ला रहे हैं इन लोगों को, थोड़ा सा एक साइड में हमारा आ रहा है वो, धीरेन्द्र सर, कैमरा पीछे कर दीजिए सर, अभी दिख रहा है, अरे यस सर, सही है सब कुछ, सही है, यस सर, ब्लैक बोर्ड इज क्लियर, अंगद झूठ मत, अंगद, यस सर, यस सर, ब्लैक बोर्ड क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, और वॉइस इज बिल्कुल, वॉइस इज क्लियर, यस सर, राइट है, अच्छा राइट है, तो लॉग केसी वैल्यू, अब एक आप एनसीईआरटी में जरा देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद, जरा उस क्वेश्चन को आप, अंगद, अंगद जी सर, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लॉग केसी की वैल्यू निकाला हुआ, जरा उसको पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो जरा, हम भाई बताऊं क्या है वो, इन टेक्स्ट में है वो क्वेश्चन, आप पढ़िए सर, पेज नंबर सर 3.2 हां 3.2 नहीं बोलो
बोले कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन का फॉर्म सॉलिड प्लस 2ag प्लस सॉलिड प्लस 2ag प्लस एक्वेटिक सॉल्यूशन हां गिव्स अस कॉपर 2 प्लस एक्वेटिक हां प्लस प्लस 2ag 2ag सॉलिड 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 और क्या वैल्यू दिया है सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.46 0.46 वोल्ट दिया हुआ है तो इसके लिए केसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या कैलकुलेट करना है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू जीरो ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बताओ 0.059 अपॉन 29 लॉग केसी होता है ये वैल्यू होता है और ये वैल्यू गिवन है 0.46 वोल्ट दिया है ना बोलिए yes, सर 0.059 अपॉन 2 लॉग केसी तो यहां से 0.46 इनटू 2 होता है इज इक्वल टू 0.059 लॉग केसी तो लॉग केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 0.46 वोल्ट 0.42 अपॉन 6 वोल्ट इनटू 2 अपॉन 0.059 इसको आप सिंपलीफाई करिए लॉग टेबल से और इसमें एंटी लॉग यूज करेंगे तो सिंपलीफाई करेंगे तो इसका जो है केसी की वैल्यू निकल के आएगी और ये केसी की वैल्यू कितना दिया होगा बेटा वहां देखिए साल 3. बोलिए 3.9 into 10 to the power 15 तो ये आपकी वैल्यू आएगी ये वैल्यू जो है एंटी लॉग टेबल से आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो ये इस तरह से आपका अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो वहां से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं केसी या किसी को भी हम कर सकते हैं माने किसी को भी हम निकाल सकते हैं तो अगर इसमें किसी तरह का डाउट हो तो आप हमको बताइएगा अगला टॉपिक हमारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी अगला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी देखो भाई आवाज ना करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी इस टॉपिक को आप जरा समझिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी व्हाट इज दिस तो हम बात करते हैं पहले गिब्स फ्री एनर्जी को हम समझते हैं कि है क्या व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से या इसको डेल्टा आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर रिएक्शन के लिए दोनों सिंबल है तो व्हाट इज गिब्स एनर्जी इसको समझिएगा हमारे पास दो तरह का सेल होता है बेटा एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है क्लियर है ना सेल दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सर डिफरेंस क्या है दोनों में हाँ अब आप बताओ अंगद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या डिफरेंस है सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रिडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको वो यूज करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही वेसल में दोनों इलेक्ट्रोड्स रहते हैं ठीक है ये तो उसको स्ट्रक्चर के बेस पे हो ना लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देते हैं तब जाके केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है दोनों में डिफरेंस है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है जो केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन जब होता है तो तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जरा ध्यान से देखिएगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल रिएक्शन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिक करंट जब देते हैं इलेक्ट्रिक करंट बाहर से देते जब उसको देते हैं तब जाके केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स होता है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स होता है तो व्हाट इज दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल रिएक्शन टेक्स
by the chemical reaction electric produce and in electrolytic cell electric current द्वारा जो है chemical reaction produce होता है. तो दोनों में basic difference यही है. हमको देखना है Gibbs energy क्या है, हमें देखना है कि Gibbs energy क्या है. Gibbs energy में जो हमारा system है वो केमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करता है. जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हम समझा रहे हैं गिब्स एनर्जी को थोड़ा सा. यस सर, देख रहे हैं. हाँ, एक डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे मान लीजिए आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, यह सिस्टम एक सेल है जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और ये हमारा सराउंडिंग है. ये क्या है? हमारा सराउंडिंग है बेटा. अब अगर सराउंडिंग है, अब अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, माने वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम द्वारा किया जा रहा है, तो उस समय इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी. जब सिस्टम जो है सराउंडिंग में वर्क करेगा तो उस समय सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, माने डिक्रीज एनर्जी. एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी एनर्जी. सिस्टम की क्या होगी? डिक्रीज होगी. और यह डिक्रीज एनर्जी जो है गिब्स, दिस डिक्रीज एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी. इस सिस्टम की जो एनर्जी डिक्रीज है वही डिक्रीजेज एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है. अब ऐसे केस में क्या होगा कि यह सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है तो रिएक्शन कैसा होगा बेटा? एक्सो थर्मिक होगा. रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा. और एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसलिए इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी. निगेटिव होगी. तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है. और ऐसा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है. ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स होता है तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में निकलती है. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड्स होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है और वह डिक्रीजेज एनर्जी का जो अमाउंट है वही गिब्स फ्री एनर्जी है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हमें ऑब्टेन हो जाती है सर्किट के थ्रू. क्लियर? लेकिन दूसरी बात हम करते हैं सिस्टम की. एक और सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम और ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है बेटा. तो अब हमको ये देखना है कि सराउंडिंग जो है सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है. सराउंडिंग जो है सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो उस समय इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? सिस्टम की इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी. उस समय सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. और जब इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. और रिएक्शन कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. तो नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है. और इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. किसका? नॉन स्पॉन्टेनियस का. देखो बहुत आवाज आ रही है बेटा. अभिषेक, यस सर, साउंड इज क्लियर? यस सर. ब्लैक बोर्ड? यस सर, क्लियर. ब्लैक ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होगा और ये किसका होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होगा. तो हमें किस में समझना है? गिब्स फ्री एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. काम को देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स एनर्जी है क्या. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के फॉर्म में आएगी. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हमारा एनर्जी है एक्सोथर्मिक होगा. जो सेल से जो हमें करंट मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी. तो इसको समझिए क्या, ये बात समझ में आ गई? तब हम अगली बात, अगला टॉपिक आपको बता रहे हैं. नेक्स्ट. यस सर. तो क्या हुआ विशाल? एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए. अगला एग्जांपल, जैसे आपने कहा गया, आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रो केमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमारा इलेक्ट्रिक इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि यही गिब्स एनर्जी इसका टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन ऑफ सेल, यही गिब्स फ्री एनर्जी जो है उस सेल का टोटल वर्क डन होगा। माने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमारा प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में आती है, जिसको हम डेल्टा जी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है, जो इलेक्ट्रिकल करंट है, जो इलेक्ट्रिकल जो हमारी एनर्जी है वह किसके इक्वल होती है? दिस एनर्जी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ करंट माइनस एनएफ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चेंज होती है वह क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू ईएमएफ ऑफ सेल होती है। तो हमारी बात देखिए, अब व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो किसी भी सेल के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बिना इलेक्ट्रॉन के फ्लो के तो करंट का फ्लो होगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यहां दिख रहा है, यहां पे दिख, अच्छा, जब वन मोल इलेक्ट्रॉन, नहीं दिख रहा है, जैसे वन मोल इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो वह 1 फैराडे के बराबर होता है। किसी भी सेल के अंदर जब रिएक्शन प्रोसेस होता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है अगर केमिकल रिएक्शन में, तो वह किसके इक्वल होता है? 1 फैराडे कूलाम के इक्वल होता है, 1 फैराडे कूलाम के इक्वल होता है। तो अगर एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन फैराडे होगा, तो क्या होगा? एनएफ फैराडे होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की हम बात करते हैं, यहां पर बात है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एनएफ है ना, क्वांटिटी क्या है? माइनस एनएफ, वो एनएफ माइनस प्लस की बात हम बाद में करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू एनएफ इनटू ई सेल, ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल को हम ई सेल लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी यहां पर ध्यान दो, इसको हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ी सी बात ध्यान दो, अगर सेल डेनियल है सर, हाँ बोलो सर, E0 होगा कि E सेल होगा? अभी हम बता रहे हैं, अभी E0 सेल हम बात मत करेंगे, हम E सेल की बात कर रहे हैं, EMF ऑफ सेल। तो डेल्टा जी एन एफ ई सेल हो गया, अभी स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे, हम ऐसे लेके चल रहे हैं। अब अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है माने कैसा है? एक्सोथर्मिक है, क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? बोलो, निगेटिव होगी, एन एफ ई सेल, क्लियर? या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये आएगा, बोलिए। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इफ द कंडीशन अप्लाई, स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, उस समय हम डेल्टा जी को जी नॉट के रूप में लिखते हैं, क्या लेते हैं? अगर ऑल द कंसेंट्रेशन ऑफ यूनिट टेकन एज यूनिट, ऑल द कंसेंट्रेशन ऑफ इन डेनियल सेल टेकन एज यूनिट, आपको पता है ना कि डेनियल सेल के अंदर, थोड़ी सी बात ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझिए हमारी बात को, अगर हम डेनियल सेल लेते हैं बेटा, डेनियल सेल यहां पर देखो, डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बोलिए। Yes, sir. अगर आप डेनियल सेल लेते हैं, डेनियल सेल इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो अगर आप डेनियल सेल लेते हैं तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी माइनस एनएफई सेल होगी,
yes, सेल होगी और डेनियल सेल के लिए ई सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट होती है, कितना होती है 1.1 वोल्ट होती है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन भी अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एन, एन कितना है डेनियल सेल में, बोलो 2, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 डेनियल सेल में, है ना। एफ कितना है 96,500 और ई सेल की वैल्यू है 1.1, है ना। तो डेनियल सेल से कितनी एनर्जी निकलेगी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, बोलो 200 सर कर दीजिए 212 300 जूल, इतना जूल आती है, आप ही कर दीजिए सर, ये हो गया सर। हाँ ये इतना ही है सर, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये 500 नहीं लिया है, 96,487 लेके किया होगा तब जाके कुछ वैल्यू अलग आएगी, ये 96,500 हाँ तो ये इतनी ही वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 212.30 किलो जूल, किलो जूल मोल इनवर्स आ जाएगा, किलो जूल आ जाएगा, किलो जूल आ जाएगा, आएगा ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान, यहाँ देखिए अब इस वैल्यू को बेटा यहाँ देखो, एक बात ध्यान सुनना, अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको हम अलग अप कर दे रहे हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू केसी के फॉर्म इसको लाते हैं माइनस एन एफ, और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है बोलिए, केसी के फॉर्म में ई नॉट की वैल्यू होती है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग इनटू केसी होती है ना, इसको कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग लॉग केसी, ये वैल्यू आएगी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है सर, ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, ठीक है। अब बोलिए कोई दिक्कत है इसमें सर, यहाँ पर 2 कैसे आया डेनियल सेल में, हाँ डेनियल सेल में इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेटा, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर दो इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होता है, जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, इसलिए डेनियल सेल में हम वैल्यू कितना लेंगे 2 लेके चलेंगे, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो 1 लेके चलते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है सेल में उतना ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रिडॉक्स रिएक्शन, एन इज द नंबर ऑफ सेल एक्सचेंज इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड एफ इज द फैराडे कांस्टेंट एंड ई सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या ई सेल, ठीक है। इस तरह से हम डेल्टा जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, जी नॉट की वैल्यू को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, आगे इंटेक्स में देखिए, इंटेक्स अंगद अंगद टू, अब इसे क्या दो जरा आप देखिए इंटेक्स में जी सर 6, देखिए क्या दिया है पढ़ो जरा 3.6 पढ़ो उसको इंटेक्स में देखिए दिया हुआ, अभिषेक पढ़ेगा कि मैं पढूं, अभिषेक मैं पढूं, हाँ पढ़िए सर 3.6 द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, हाँ 2Fe3 plus aqueous solution plus 2I minus aqueous solution E plus 2Fe2 plus aqueous, हाँ हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले में देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले में देखो वही है सर, है यही है यही, नहीं नहीं वो नहीं है, हम थोड़ा सा देख रहे हैं एनसीईआरटी को देख रहे हैं, देख लीजिए सर स्टैंडर्ड पोटेंशियल डेनियल सेल, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, देखो 3.3 देखो एग्जांपल 3.3 स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, मिला यस सर, है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, ठीक है, फिर दिया है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन,
जिंक प्लस कापर इज इक्वल टू जेनन प्लस टू प्लस कापर दिया है ना, तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल ले लेंगे ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, एन एफ ई नॉट सेल, तो यही वैल्यू जो है एन के जगह पर क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, और एफ के जगह पर 96,500 और ई नॉट सेल के जगह पर क्या लिखेंगे 1.1 वोल्ट। कैलकुलेशन करके मैंने निकाला भी है 212 ये इतना किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप बताइए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक टुडे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड नर्स्ट इक्वेशन, तो यू कॉन्टेक्ट मी, बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है। माइनस है ना, हाँ ये माइनस है सर, इधर डेनियल सेल पॉजिटिव हो जाएगा ना, कौन सी माइनस ये रहा है, ये कट जाएगी तो माइनस के फॉर्म में आएगा सर, इधर डेनियल सेल वाले में, हाँ डेनियल सेल का ही वैल्यू है, ठीक है। ये कहाँ है,